बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज कोई ना तो ये सियासी फंक्शन है और ना ही कोई मजहबी फंक्शन है, सिर्फ ये एक सोशल गैदरिंग है जो कि हमने कोशिश की कि जो लाहौर में रहने वाले हैं और उनको ज़िम्मत दी जाए, उनसे ज़रा गपशप लगाई जाए, उनसे पूछा जाए। और सुल्तान साहब हमारे चेयरमैन हैं लाहौर क्लब के, तो ये काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि लाहौर के अंदर जो बसंत है उसका आगाज़ होना चाहिए। ये 11 साल से जो है ये बंद है, तो इसके ऊपर हम सबको कुछ करना चाहिए जो यहाँ पे लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी आवाज़ उठाएंगे, आप तमाम लोगों की सजेशंस भी लेंगे, बस बसंत के हवाले से भी और लाहौर में जितने भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल होते थे पहले वो सब मान पड़ रहे हैं। संती नुमाइश होती थी, ये हार्स एंड कैटल शो होता था, इसके अलावा और भी तमाम सूबों से जो लोग हैं वहाँ पर आकर तो अपने अपने सूबे की जो कल्चर हैं, जो सकाफत है वहाँ पर दिखाते थे। लेकिन हमारी अब जो नस्ल है वो सब कुछ भूलती जा रही है, और खसूसन हमारे जो यहाँ पर बच्चे हैं अब तो उनको पता भी नहीं कि बसंत भी कोई चीज़ है। तो इंशाल्लाह ताला इस पर सब बात करेंगे। सबसे पहले मैं तलावत कलाम पाक के लिए रूमी मलिक साहब को कहूँगा वो तलावत करें। यहाँ पर हमारे साथ जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं, कम्युनिटी लीडर्स भी हैं, सियासी लीडर्स भी हैं, लेकिन इस वक्त हम सबको लाहौरी समझते हैं, हम समझते हैं सब लाहौरी हैं। तो हम उनसे ही जो है वो गपशप लगाएंगे, उनसे बात करेंगे। तो मैं स्पेशल वैसे थैंक करूँगा डॉक्टर तमिंदा दोगल साहब का, और कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार साहब, स्पेशल बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, इनका भी शुक्रिया, तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया। और जो बंदा भी बात करेगा कोशिश करे अपना थोड़ा सा तारुफ भी करा दे लाहौर में वो किस जगह से है, कहाँ से है, ताकि हमें भी तसल्ली हो जाए कि वाकई लाहौरी है सारे। तो मैं उजाज साहब को कहूंगा, उजाज साहब, हाँ जी उजाज साहब, आप जरा कुछ इस बारे में फरमाया कि असल लाहौरी है उजाज साहब। जी बहुत शुक्रिया वाहन साहब। एक्चुअली लाहौर क्लब यूके, उस पर थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूं कि कोरोना पीरियड से बहुत पहले, कुछ 4 साल की बात है, हम सारे इकट्ठा थे इकबाल संधू साहब के घर पे। तो वहाँ पे एक ख्याल आया कि यार लाहौर क्लब जो है, क्योंकि लाहौर के भी बहुत से लोग हैं, हर शहर से हैं वैसे तो, लेकिन हमें ये ख्याल आया कि हम लाहौर क्लब एक बनाएं। तो उसी वक्त ये सारा हमने मैनेज कर लिया, और क्योंकि सुल्तान साहब जो है वो भी वहां मौजूद थे, तो हमने सुल्तान साहब को ये रिक्वेस्ट की कि आप इस क्लब के चेयरमैन बन जाएं। तो सुल्तान साहब क्योंकि अंदरून लाहौर के हैं, तो इन्होंने फौरी तौर पे हामी भर ली। तो हमने एक दो प्रोग्राम तो करवाए कोरोना पीरियड से पहले, लेकिन कोरोना के बाद जाहिर है 2 साल ऐसे ही निकल गए। तो उसके बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें लाहौर के लोग तो मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी यहाँ पे लोग और भी मौजूद हैं। हमने कोई रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं रखी कि सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन जो इसकी अभी बॉडी बनेगी चेयरमैन के बाद वो लाहौरियों की ही होगी। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। जैसे कि अवान साहब ने अभी जिक्र किया कि लाहौर के बहुत से रिचुअल्स ट्रेडिशंस वो खत्म हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो बसंत है, बसंत जो है एक्चुअली बड़े सगीर में आज से नहीं 100-150-200 साल पहले से मनाई जाती है। जी हाँ, उससे भी पुरानी है। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, गो के वो थोड़ा पार्टली वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि ये सरस्वती देवी हिंदुओं की जो है, जो फन और आर्ट की देवी है, मौसीकी की देवी है, ये उसकी याद में बसंत हिंदू मनाते थे और पतंगे भी उड़ाते थे, खुशी मनाते थे। संस्कृत की जो उनकी जो मजहबी किताब है उसमें भी सरस्वती देवी का जिक्र है और वो खुशियां मनाने का जिक्र है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत से लोग, बहुत सी मजाहिब जो है इकट्ठा रहते थे,
तो इसलिए ये किसी ने भी इसको मायूब नहीं समझा, वो हिंदू था या ईसाई था या मुस्लिम था सिख था, वो सारे ही मनाते रहे। अच्छा, उसका दूसरा पहलू ये है कि बड़े सगीर में जब फसलें पकती थी तो किसान बड़ा खुश होता था, इसीलिए बसंत को बसंत पंचमी कहा जाता है, क्योंकि जो हिंदुओं का जो महीने हैं पो माघ फगन साजन, हम ये समझते थे कि ये पंजाबी के महीने हैं, हालांकि ये हिंदुओं के महीने हैं। माघ जो महीना है वो हिंदुओं का पांचवा महीना है, तो बसंत पंचमी इसलिए कहा जाता है कि ये हिंदुओं का पांचवा महीना है और पांचवी तारीख को आता है, लेकिन फरवरी ही में आता है हमेशा, तो इसलिए इसको बसंत कहते थे। हमें अपने मोहसिनीन को याद रखना चाहिए जिन्होंने लाहौर पे एहसानात किए हैं। मैं सर गंगा राम को सैल्यूट करता हूं। जी, मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी, यू आर राइट। उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, ग्रैंड ग्रैंड डॉटर है श्रीला फलादर, ठीक है ना, आई आस्क यू के उनसे बात करें कि वो हमारी वो चेयरपर्सन बन जाए। तो आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में वो बातचीत, सुल्तान साहब। शी डाइड, ओ सो सॉरी, ठीक है, ओ माय गॉड। वो देखें, वो आखिरी निशानी थी सर गंगा राम की। आप सब जानते हैं कि सर गंगा राम कौन थे, इंजीनियर भी थे, बहुत बड़े इंजीनियर, ठीक है, और लाहौर के वो बानी कह ले इसलिए कि एचिसन कॉलेज उन्होंने बनाया, पंजाब यूनिवर्सिटी की इमारत उन्होंने बनाई, एनसीए की बिल्डिंग उन्होंने बनाई, ठीक है, मॉडल टाउन सारा उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। ये हमारे हीरोज हैं, और हमने क्या किया, पाकिस्तान बनने के बाद हमने लाहौर में सर गंगा राम का मुजस्मा लगा होता था, ठीक है, उस पे हमने सियाहियां फेंकी और हमने वो गिरा दिया, उसके बाद किसी ने नहीं बनाया, हमें वो भी चाहिए, वो हमारे हीरोज हैं। आपको पता है कि दाता दरबार जो था उसमें बिजली किसने लगवाई थी, ठीक है, वो भी एक हिंदू थे, वो भी एक हिंदू थे, उनके दो बेटे बीमार हो गए, तो उनको किसी ने कहा जी ये दाता साहब पे जाके दुआ करें, हालांकि वो हिंदू थे, तो उन्होंने दुआ की जाके, जाहिर है जिस माँ बाप का बेटा या बेटी बीमार हो तो वो सब जगह पे दुआएं करते हैं, वो उन्होंने दुआ की तो बच्चे कुदरत से ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ दाता दरबार के लिए, तो किसी ने, कोई मुजावर था या किसी ने उनको कहा जी आप यहाँ पे बिजली नहीं है, बिजली लगवा दे, उन्होंने बिजली लगवा दी। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो, कोई भी हो, जिसके लाहौर पे एहसानात हैं वो हमारे मोहसिन हैं, वो हमारे हीरोज हैं। गंगा राम ने पूरा लाहौर ही डिजाइन नहीं किया, गंगा राम हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया। उसके बाद उन्होंने कोई रनाला खुर्द एक इलाका, वहां पे हजारों एकड़ जमीन जो थी वो सीम और थोड़ का शिकार थी, लेकिन उन्होंने जाके अपनी इंजीनियरिंग का कमाल किया वहां पे, वो उसको खुश किया, पानी दिया और वो सरसब्ज हुई, ये भी उनका कमाल है। श्रीला फलादर साहबा की डेथ हो गई, आई एम सो सॉरी, मुश्ताक लशारी साहब उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लोग भी बैठे हुए हैं जो मेरा ख्याल है बसंत के खिलाफ हैं, तो उनको मैंने बाद में बारी देनी है ना। लेकिन वैसे एक बात है कि जैसे बजाज साहब ने कहा कि अगर इसके जाहिर है ये 5-6-10 साल से हुआ ही है जो सारा डोर की वजह से लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, डोर के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, गवर्नमेंट की रिट होनी चाहिए कि वो ऐसी डोर, ऐसा केमिकल लाहौर में दाखिल ही ना होने दे जिससे इस तरह की डोर बनती है। तो गवर्नमेंट अगर ये भी काम नहीं कर सकती तो फिर किस तरह की गवर्नमेंट है, नंबर एक। दूसरा ये है कि अगर ज्यादातर ये शिकार होते हैं मोटरसाइकिलों के ऊपर जो लोग हैं ना, तो अगर आप मोटरसाइकिल के ऊपर 10 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए इस तरह पाबंदी लगा दे कि जो मोटरसाइकिल निकालेगा उसके ऊपर एक प्रॉपर शेड बनाओ इस टाइप का कि आपको डोर नुकसान ना दे सके,
तो इतना छोटा सा काम करने से अगर आपके मुल्क को खरबों रुपए का जर मुबादला मिल रहा है और लोगों को खुशी लौट रही है, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को कोई मैयज लेने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसको आप बंद ही कर दें। तो इसलिए जो खिलाफ बोलना चाहते मैंने उनको पहले ही रोक दिया। ठीक है, अंजू साहब कुछ कहना चाहते हैं? साडा जरा जिम्मेदारा सी डाची वाला खूह सी करीम बाग रावी रोड से, असी फिर डाची वाले खूह से अपना घर बना लिता। उतो साडे घरों असी वेखदे सा सानू दरिया भी नजर आता सी। मेरे ख्याल 75 दी गल है, तुसीं तां 85 दा जिक्र करदे, 75 दी गल है। 75 च असी उत्थे बनाया सी घर, दरिया नजर आता सी साडे, तो उत्थे कोई रक्षा कोई नहीं जांदा, यादगार नजर आता सी। ते असी उत्थे वेखदे सा जी साडे महल्ले दे विच कोई बंदा गैर नहीं सी आ सकदा, मतलब असी कोई बंदा गैर आया ते असी उहनूं कहिंदे सा किधर काका किधर, इत्थे तां हुण इह कि अपने हमसायां दे बच्चे किसे नूं कहो ना किधर, उहदा प्यो कहिंदा ओह नॉट योर बिजनेस। ते सानूं उह वाला लौर चाहीदा कि वी असी अपन अपनाइयत होंदे सी उहदे च, असी प्यार मुहब्बत करदे। अच्छा हुण बसंत दी गल, असीं बसंत मनांदे सा, बुढ़ी नूं तंदी नहीं सा लांदे, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦੀ ਲੱਥ ਜਾਵੇ, ਤਾਰਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣ ਤੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਤੇ ਨਈ ਰੀਸਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਚ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮਿਊਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2008 ਜੀ ਡਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੋਗੀ ਬੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬਸੰਤ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਸੰਤ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤਫਰੀਕ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਸੰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਕਲੋਡ ਰੋਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਇਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਦੇ ਸੋਚੀ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਜਿਨਸੇ ਦੂਰ ਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਤੋ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕਿਆ ਥਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਦੇਖਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੱਬ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣਗੀ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੋ ਨਾਰੋਵਾਲ ਸੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 2005 में पहली बार लाहौर गया। उससे पहले सुना था कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। तो पिछले आई थिंक 14-15 साल से लाहौर से है, कुछ ऐसा मोहब्बत मिली वहां से, कुछ ऐसे दोस्त मिले, तो वैसे लगता है कि शायद हम लाहौर ना तो शायद पैदा ना होते। तो जब भी लाहौर जाते हैं, हर रोज ही लाहौर होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हर रोज लाहौर से मोहब्बत हो जाती है। इतना डाइवर्सिफाइड, इतना प्यार करने वाले लोग, तो सर हमें तो प्यार है लाहौर से, और मेरा ख्याल है सारे लोग यहाँ प्यार करने वाले ही बैठे हैं लाहौर से और पाकिस्तान से। थैंक यू। मैं दाता नगरी दाता दरबार में बोर्न हुई हूँ, और मैंने सब लाहौर की कल्चर को देखा है, और ये मेरे भाई जहीर ने अभी बताया, वो बेसिकली हम दाता की नगरी ही समझते हैं, और मेरे कजन ब्रदर हैं, मेरे देवर हैं। और जो बसंत के ऊपर रोशनी डाली जाए तो इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। और मेरे डैड, मुझे याद है सिंस चाइल्डहुड आई वाज लर्निंग, उनकी जस्ट ओनली खुशी यही थी कि वो बसंत में अपना सुकून समझते थे। अभी उन्होंने बड़ी घर बना तो लिया है, लेकिन ही स्टिल आई फील हिज हार्ट ही स्टिल इन दैट दाता की नगरी। और जेल्दा रोड और भाटी दरवाजे, मेरी सब कजने पोपोज वगैरह, आई सीन द कल्चर, वो अपनायत, और आई स्टिल मिस दैट। एंड वी शुड टेक इनिशिएटिवली, एवरीवन हैव देयर कंट्रीब्यूशन, और लाइक अपनी साइड के जितना हो सकेगा हम करेंगे, वट एवर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुड बी, इट शुड कैरी ऑन। ये कहना चाहूँगी कि ये जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अगर यहाँ तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में मेरी जो जनरेशन है उसको नहीं पता कि बारिश शाह कौन है, दुल्ला भट्टी कौन है, बाबा बुल्ले शाह कौन है। तो हमें अपनी जनरेशन को ये बताना चाहिए कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। बरतानिया के अंदर बैरनेस है, जैसे कि लॉर्ड होते हैं इस तरह ये बैरनेस है, और इन्होंने उनको जो है उन्हें कहा कि आप लाहौर क्लब की सरपरस्ती कबूल फरमाएं, उन्होंने एग्री भी कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक उन्होंने बताया कि उनकी डेथ हो गई है। तो हम अफसोस ही कर सकते हैं जाहिर है, लेकिन हमें ये तफसील बताएंगे कि ये इस बारे में, लेकिन शेयर नहीं पढ़ने।
पंज पीरां वाली गली मशहूर मरूफ है और रेड़िया वाला चौक साड़ा बचपन उत्थे गुजरिया प्राइमरी तक मेरी तालीम उत्थों दी है ते कुछ शक नहीं इहदे च मैं सिर्फ एक विजय साहब की गल जिहड़ी उह कि कल्चर जिहड़ा है खास तौर ते सकाफत जिहड़ी है उह उहदी खूबसूरती उहदी बेहंगमीयत हुंदी है उहदा पुर हजूम होना हुंदा है ते जिहड़ियां हुकूमतां या जिहड़े लोक डाइवर्सिटी ते जिहड़ियां जिहड़े लोक उहनूं मुनज़म करन च अपना वक्त ज़ाया करदे ने फिर वैसरा वह खत्म हो जाती है तो बहरहाल बड़ी खुशी हुई जी मेरा बचपन लाहौर है जी मेरी सारिया यादा उतों दिन तो बड़ी खुशी हुई खास तौर पर लशाई साहब मुस्कुरा रहे हैं बड़ा बेहतरीन अंदाज न तो यह महफल दी एक जान भी ने तो मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा कि प्लीज जी लशाई साहब चलो जो हम समझते हैं कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है हर हकूमत की जो भी आई है वो ये है कि लाहौर में 1985 में लास्ट जो पार्क है वो बना उस वक्त जिसको लामा इकबाल पार्क कहते हैं उसके बाद लाहौर की आबादी तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई है उस वक्त शायद 70 लाख आबादी थी इस वक्त शायद 1.7 करोड़ हो गई है लेकिन एक भी पार्क पब्लिक के लिए नहीं बना और लोग जो है वो अगर पब्लिक के पास पार्क ना सैर व तफरी के लिए हैं ना खेलने के लिए हैं तो कहाँ जाएगी वहाँ ये हर गवर्नमेंट जो आती है ये अपने दोस्तों यारों को सोसाइटियाँ बनाने के लिए परमिशन दे देती है लाहौर के गिरदोनों अब तो सुना है कि बॉर्डर के साथ जो है वो डिफेंस भी टच हो गया और इस तरफ रायबंड की तरफ चले जाए सारी सोसाइटी बनी हुई है किसी को ना पार्क बनाने की हिम्मत आती है कि हम कोई बच्चे जहर है छोटे बच्चे उनके लिए कोई पार्क बनाया जाए कोई वहां पर खेलें और जो तफरीहात थी वो भी खत्म होती जा रही हैं बसंत मून में से सर फहरिस्त है जश्न बहारा का मेला होता था वो भी शायद अभी 2-3 साल के वक्फे के बाद हुआ है और इसके अलावा ये फूलों का फेस्टिवल लगता था लाहौर में उसका भी कोई पता नहीं है फिर बारा दरी के ऊपर भी बहुत बड़ा होता था मेला उसका भी कोई नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं और हमारे बात तो शायद जो आने वाली नसर है उनको तो याद भी नहीं होगा कि कोई इस तरह के फेस्टिवल भी होते हैं पाशा साहब असली लाहौरी हैं ये भी कुछ 2-4 मिनट जरा बोले था कि फिर हम मिनट ही बड़ा जी ये सुन रहे सवाल जी पहले तो वजह साहब की गल अगे बतावगा इन्हों जो लाहौर चाहिए ना उदे वास्ते मैं कहांगा नहीं हूं लबने लाल गुआचे तो मिट्टी ना फरोड़ चोकिया के ओ लौड़ ते और वापस नहीं आ सकता वो तो फिर वो तरीके लब बैक वाले कहते हैं जी सानू 1400 साल पुराना पक्ष दुनिया चाहिए है तो कितों कितों असं की देंगे तो वह ऊंठ वापस लिया दें तो गल ये कि जी किसी भी कौम जो कहें तबाह करना हो ना तो सब तो पहले वो जबान खत्म कर दौ तो उस तो बाद कल्चर खत्म कर दौ तो यह जरा ना पंजाब का कल्चर क्योंकि पंजाब जरा गेटवे से पूरी दुनिया जो आते सन हमलावर जो शुरू हुए अरबा तो लैके मुगल और सारे वो जो पंजाब चो लंघते सन तो उन्होंने रजिस्टेंस मिलती थी इतने ही साडे हीरो जो ने सारे पैदा हुए तो उन्होंने देखा कि पहले इन्हों इन्हों का कल्चर ने जबान तबाह की जाए जिस मुगलों ने उर्दू जबान मुतारफ कराई गोकर लश्करी जबान सी तो वह जरा ना उन्होंने कल्चर तकरीबन 1200 साल तो सिलसिला जारी वे सानू हौली हौली तबाह कर अज लाहौर के लाहौर दिया मावं बच्चों मार दिया पंजाबी बोलन तो वो बच्चा जो घर है क्योंकि छोटी बदतमीजी कवे कर बहर गली के बुनियाद खेडन लिया ना पंजाबी सिखा है तो असल चीज़ है वो जी तबाही हुई है असी मैं समझना वा असी लोग जो इतने बैठे हैं ना वो विटनेस हाँ उस पंजाब के उस लाहौर के मरते हुए दे आखिरी जो कल्चर वैल्यूज ने जिस मिंटो पार्क दहफल असी देखिया ने असी जनाब बसंत वेखीए जो सब चीज़ा मर गई हैं असी लाहौर की हीरा मंडी देखीए वो भी एक कल्चर सी उस तो बाद असी नहीं वह है हम हर गली महल हर जगह तो असी लोग हाँ जिन्हें विटनेस हाँ आखिरी मरते डुबदे कल्चर के तो यह जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया मैं समझना कि असी ये मेनली ना बजाय अपने जोर लाइए कि असी वापस चाहिए असी यादा ताज़ा करिया करिए आने वाली जनरेशन अपन बच्चों दसीए कि बई की सी असी पंजाबी कौन हाँ तो कितों आए हैं तो साडा कल्चर की सी की है तो साडी जबान की है तो सानू किवें खत्म किया गया तो असी याद ही कर लिए तो बड़ी गल है असी वापस की लिया थैंक यू।